हाय गाइस, मैं अनुपम ठाकुर और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में, जाहिर सी बात है आपके घर में एलपीजी सिलेंडर या गैस कनेक्शन ज़रूर होगा, तो उसकी कैसे आप सब्सिडी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी भारत गैस की बात करें, इंडियन गैस की बात करें, वीडियो बना रखे हैं और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे एचपी गैस का आप वीडियो बनाएं कि उसकी हम सब्सिडी कैसे देख सकते हैं, कि एचपी गैस का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो कैसे जानेंगे, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। ऐसे मेरे पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आज मैं इसी के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके घर में एचपी का कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, तो आप कैसे सब्सिडी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं उपम छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। मैं जो आज बात करूंगा उसके लिए आपको अपने पासबुक को लेकर बैठना है। आपके पास जो भी पासबुक होती है आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, या अगर आपके पास केवल आपका मोबाइल फ़ोन है जिससे आप अपना एचपी गैस का सिलेंडर बुक करते हैं उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो कैसे करना है सब कुछ डेस्कटॉप पर लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर भी जा सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके आपको लिखना माई एलपीजी। जैसे माई एलपीजी लिखेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाती है myLPG.in, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आपके सामने ऐसा ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको तीन सिलेंडर देखने को मिलते हैं, पहला भारत गैस का, दूसरा एचपी का और तीसरा इंडेन का। तो जिसका भी आपको सब्सिडी देखना उसके सिलेंडर पर आपको क्लिक करना है। हालांकि मैंने भारत और इंडेन का ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कैसे सब्सिडी देखनी, वो आप देख सकते हैं। आज जो बात करने वाला हूँ एचपी गैस का, जो बीच में सिलेंडर है, तो आपको बीच वाले सिलेंडर पर क्लिक करना है अगर आपको एचपी गैस का सब्सिडी देखना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, एचपी गैस का पूरा दिखता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, आपको यहाँ पर सब्सिडी देखने के लिए दोस्तों साइन इन करना होता है। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट बना रखे हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाया तो आपको क्रिएट करना पड़ता है अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए न्यू यूजर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं इस न्यू यूजर को एक नए टैब पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको 17 डिजिट का यहाँ पर जो आपको एलपीजी आईडी होती है वो मांगी जाती है, जो कि आपके पासबुक पर लिखी रहती है। और जो भी आपका पासबुक है उस पर आपको 17 डिजिट का आपको आईडी लिखा मिलता है, और वो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो इंटर करना होता है और आपको कैप्चा डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आपके पास 17 डिजिट का एलपीजी आईडी नंबर नहीं है तो उसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से बैक आना होगा और जो मेन पेज था यहाँ पर आएंगे, फाइंड योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर कंज्यूमर नंबर या मोबाइल नंबर, अगर आपको कंज्यूमर नंबर याद नहीं है तो जिस मोबाइल नंबर से आप अपना एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं वो नंबर डालकर और यहाँ कैप्चा डालकर प्रोसीड करेंगे तो आपकी 17 डिजिट की एलपीजी आईडी फाइंड आउट कर देगा ये। तो चलो मैं मोबाइल नंबर कैप्चा, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, कैप्चा डालकर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी दिस यहाँ पर आ जाती। मैं ये एलपीजी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इसे कॉपी कर लें। और उसके बाद फिर से फर्स्ट पेज पर आना है और आपको यहाँ पर जो न्यू यूजर है इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 17 डिजिट का अपना एलपीजी आईडी इंटर कर देना है सारे, और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और ये कैप्चा डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ एलपीजी आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह इंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी गया उस पर डालकर आपको यहाँ इंटर करना है। तो जैसे आप ओटीपी डालते हैं बस आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी और एक न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, ऐसा बनाना जो 8 करेक्टर से बड़ा हो और इसमें स्पेशल करेक्टर से डिजिट वगैरह इंक्लूड हो, कैपिटल लेटर भी स्मॉल लेटर, तो सभी चीज़ें इंटर करनी है। तो चलो मैं इंटर कर देता हूँ। आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कंफर्म करते हैं, अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड एक्टिवेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस यू एंटर्ड। टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द एक्टिव ईमेल। तो जो भी आपने ईमेल आईडी डाली वहाँ पर एक ईमेल गया है एक्टिवेशन लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है जिससे आप अपना अकाउंट यहाँ पर एक्टिव कर सकें। तो चलो मैं चलता हूँ लिंक पर, जो भी आप मैंने ईमेल डाला था उस पर।
तो ये देखिए एचपी गैस कंज्यूमर जोन अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पर आ चुका है, और यू एक्टिव टू एक्टिवेट योर अकाउंट कॉपी एंड यूज द लिंक दिस। अब इस लिंक को आपको कॉपी करना है और इसे किसी भी ब्राउज़र पर ओपन करना है, आप चाहते हैं तो इसी ब्राउज़र पर भी आप ओपन कर सकते हैं नेट ऐप पे। तो मैं नेट ऐप पर ओपन करता हूँ। योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था और कैप्चा डालना है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही इंटर करता हूँ, अब आपसे पासवर्ड, जो भी आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था उसे यहाँ पर मांगता है। तो अपना जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसे इंटर करें। तो जैसे आप पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो आपके LPG ID, आपका कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम, किसके नाम कनेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, सारी डिटेल आ जाती है आपके सामने। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पूरा आपका एक डैशबोर्ड ओपन होकर आता है, वेलकम टू अतुल कुमार, जो जिनके नाम भी आपका कनेक्शन उनका नाम वगैरह दिखाएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं एज अ सिक्योरिटी रीजन। इसके बाद आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एक यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री ऑब्लिक सब्सिडी ट्रांसफर्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सब्सिडी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आपकी जो बुकिंग हिस्ट्री होगी, वो सभी यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ कि यहाँ पर डिटेल पूरी ओके होकर आ जाती है। ऑर्डर डेट, कब आपने सिलेंडर बुक किए, ऑर्डर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, स्टेटस क्या है, डेट कब स्टेटस यहाँ पर डिलीवर्ड हुआ है आपका सिलेंडर, कैश मेमो नंबर, कैश मेमो अमाउंट कितने रुपये का पड़ा है, 630 रुपये का, और कैश मेमो में डेट भी आता है, साथ ही साथ सब्सिडी सिलेंडर है क्या है वो बताया था, और सब्सिडी कितनी आई है, सब्सिडी अमाउंट यहाँ पर 34 रुपीज़ इनकी आई है, ट्रांसफ़र पेमेंट आरी फिल सब्सिडी के आता है, और इनका जो बैंक अकाउंट आपका लगा होगा वो भी यहाँ पर दिखाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनका अकाउंट है वो दिखा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर IFSC कोड भी दिखा रहा है। तो ये पूरी डिटेल दिखाती है, जब जब भी इनकी सब्सिडी आई है दिखाता है। अभी फ़िलहाल इनकी फ़िलहाल अगर हम लास्ट कुछ महीनों की बात करें तो मात्र लास्ट में 34 रुपीज़ ही इनकी सब्सिडी आई है। जो भी आपका सब्सिडी अमाउंट होगा वो यहाँ पर दिखाएगा, पूरे डिटेल आपको दिखाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि देखिएगा ऑनलाइन पेमेंट डिटेल देख सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट में आपको अगर आपका अपना सरेंडर कनेक्शन करना हो, मतलब अपना कनेक्शन सरेंडर करना, वो सेकेंड सिलेंडर स्टेटस देखना हो, मैकेनिक सर्विस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अकाउंट पे देख सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी है। तो ये पूरा मेथड होता है HP गैस का, कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप से अपना गैस सब्सिडी देख सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मैंने ऑलरेडी भारत और इंडियन के गैस सब्सिडी कैसे देखें वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर दे दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक या व्हाट्सअप या अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे इन सभी वीडियो की जो उपयोगिता है वो कंज्यूमर देख सकें, और जो भी सब्सिडी जिन लोगों को नहीं आ रही वो भी जाकर इनकी कंप्लेन कर सकें, उनकी सब्सिडी मिल सकें। तो ये टोटल वीडियो एक रिकमेंडेड वीडियो था, जो उन लोगों ने कमेंट किए थे कि मुझे सर HP गैस का बताइएगा कैसे देख सकते हैं इसकी सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।